सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाएं इस घंटे को। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हेक्सागोन 7.1.1 रोम अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 में कैसे आप फ्लैश कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी एंड फुल एंथुजियाज़। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दूंगा, उस लिंक को फॉलो करके आप वहां से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली आप फोन में अपने फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने टिटल आरपी इंस्टॉल कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको टिटल आरपी इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप वीडियो की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मैं कौन सा अभी रोम यूज़ कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं iOS का रोम यूज कर रहा हूँ। मैंने इसका रिव्यू का भी वीडियो बना दिया है, मैं दोनों एक साथ पोस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको ये रोम चाहिए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स इसमें बग ये है कि इसमें YouTube आप नहीं देख सकते, इसीलिए मैं इस रोम को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो और अगर आपको यूट्यूब नहीं देखना है, आप लैपटॉप में देखना देख सकते हो तो कोई बात नहीं, आप ये रोम यूज कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया रोम है ये, एक जगह इसमें लैग नहीं है, कभी कभी लैग करता है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम TWRP रिकवरी मोड में जाते हैं। आपको पता ही होगा कि मैं टर्मिनल से जाता हूँ और नॉर्मल मेथड क्या है TWRP रिकवरी मोड बजाने के लिए, वॉल्यूम अप बटन प्लस पावर बटन प्लस होम बटन, तीनों को आपको एक साथ प्रेस करना होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए आप ये वॉल्यूम अप, पावर बटन और होम बटन तीनों को एक साथ प्रेस करते हो तो आप TWRP रिकवरी मोड में एंटर हो जाते हो। तो मैं वो वाला मेथड यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास टर्मिनल इम्यूलेटर है तो क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने सू यहाँ पे कमांड डाला, यहाँ पे AU लिखा गया था, रूट ग्रांटेड हो गया। फ्रेंड्स आप देखो, देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिबूट रिकवरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिबूट रिकवरी लिखा और देन एंटर। तो आप देख सकते हो कुछ ही सेकेंड्स में जो फोन है वो हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम TWRP रिकवरी मोड में जा चुके हैं। मैंने लेटेस्ट TWRP इंस्टॉल किया 3.0.2। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना डाटा वाइप करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप उसको यहाँ पे बैकअप करके रख सकते हो। सारा बैकअप करने के लिए आपको पता ही होगा, यहाँ पर स्वाइप टू बैकअप कर दोगे आप तो आप सीधा बैकअप में चले जाओगे। ओके, तो हम वाइप करते हैं यहाँ पे, देन एडवांस वाइप, देन ये सब आपको वाइप करना है। क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज और कैसे। माइक्रो एसडी कार्ड को आपको वाइप नहीं करना है क्योंकि सारा डाटा आपने इसी में स्टोर कर रखा है। ठीक है, देन स्वाइप टू वाइप। फ्रेंड्स, अगर आप 2.7 यूज कर रहे हो TWRP रिकवरी वाला तो आप इसको फ्लैश कर सकते हो 3.0.2 को। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको कहीं लैपटॉप में करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप से आप डायरेक्टली, मैं दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। अगर 2.8 यूज कर रहे हो तो सॉरी, तो आप यहाँ इंस्टॉल पर जाना, देन इंस्टॉल इमेज लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ भी आपने रखा है। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हमने वो वाइप कर दिया है, अब हम इंस्टॉलेशन मेथड की ओर चलते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो फाइल्स देख लेंगे। ठीक है, कहाँ पे वो फाइल्स है हमारा रोम वाला, तो ये देख रहे RN करके जो है वो वही है, इसको हम क्लिक करते हैं एक बार, देन एड वन मोर जिप और ये ओपन गैप से फ्लैश कर लेते हैं हम। डोंट वरी, सबको आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्वैप टू फ्लैश। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइम लेता है आपको फ्लैशिंग होने में, देखें आप। तो आप कुछ देर वेट कर लें फ्रेंड्स, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे फ़ोन में जो रोम और गैप्स दोनों इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें वाइप चेंज और डायलॉग पे क्लिक करना है, देन स्वैप टू वाइप। नाउ वी आर रेडी टू बूट अप इन हेक्सागन 7.1.1। सो लेट अस स्टार्ट एंड क्लिक ऑन रिबूट। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम फ्रेंड्स, सो कीप पेशेंस। इसको मैं साफ कर देता हूँ, गंदा हो चुका है थोड़ा फोन में रहिए। तो आप देख सकते हो ये हेक्सागोनल वाला जो लोगो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद क्लियर। फ्रेंड्स, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये फोन MI A1 से मैं शूट कर रहा हूँ अपने, ठीक है। ये फर्स्ट बूट है फ्रेंड्स, तो ये कुछ टाइम तो लेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड कीबोर्ड स्टॉपिंग दिखा रहा था, उसको सिंपली हम क्लोज कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। ये फर्स्ट बूट है इसलिए थोड़ा टाइम लगाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल का जो ऑफिशियल लोगो है वो आ चुका है, मैंने यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। ये लगभग आपको कुछ हद तक एंड्रॉइड ओरियो के जैसा फील देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूछ रहा है, यूज करते जाए जब तक ये आपको मांगता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फाइनली हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है पिक्सल और ये सेकेंड वाला ऑप्शन। तो हम पिक्सल को चूज करेंगे ऑलवेज के लिए। अब देखो यहाँ पे फाइनली हम बूट हो चुके हैं इसमें। इसको मैं फिक्स करके दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी। देखो आप कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये हेक्सागोनल रोम। तो फ्रेंड्स, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ऐप्स में आप सेलेक्ट कर लें। ऐप देखे कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे ऐप्स दिख रहा होगा आपको। आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, आपको फोन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एंड्रॉइड कीबोर्ड है, उस पर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें आप। देन यहाँ से सबसे पहले आपको इसको डिजेबल करना है, ठीक है। उसके बाद ये एरर जो है आपको शो नहीं करेगा। उसके बाद फोर्स स्टॉप पर क्लिक करें, देन डिजेबल। जब तक यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन ना आ जाए तब तक आपको डिजेबल करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको मैं इनेबल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं कस्टम कीबोर्ड इंस्टॉल करूँगा इसमें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेटिंग्स में जाए उसके लिए पहले आप स्टोरेज और यहाँ पे SD कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें। देखो मेरे दो दो कीबोर्ड डाउनलोड कर रखी है आप, मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों में से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे जीबोर्ड जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इसको इंस्टॉल करते हैं, आपका जो कीबोर्ड है वो वर्क करने लगेगा। इस रोम में बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए जो आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल जैसे ही होगा वो वर्क करेगा आपका। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ।